बंद करवा दिया है, क्योंकि जो रीज़न थी ना उसको करवाने की, मेरी अलमारी जो थी वो ख़राब हो गई थी, दीमक ने ख़राब कर दी थी, वो न्यू बन गई है। तो अब सारा सामान मेरा उसमें शिफ्ट हो जाएगा। और जो और भी थोड़ा सा काम था, जैसे जहाँ सीलन थी वहाँ सीमेंट शीट लगवाई थी ना, वहाँ का काम जितना कारपेंटर का था वो पूरा हो गया है, और अब उसमें ना पेंट कराना बाकी है। तो अब साथ के साथ जो होली आ रही है ना, उसकी तैयारियाँ भी चल रही हैं। बहुत बड़ी तैयारी ऐसा सच नहीं होती है मेरी होली की, हाँ खाने पीने को लेकर होती है, थोड़ा सा घर को मैं होली के अकॉर्डिंग सेट कर देती हूँ, और वो होली के अकॉर्डिंग ना होके जो समर्स आती है ना उसके अकॉर्डिंग सेट होना होता है। तो जो भी सामान होता है समर्स का, या तो वो निकाल लेती हूँ मैं, और जो विंटर्स की जितनी चीज़ें वो रख जाती हैं, जैसे जितने ब्लैंकेट्स वगैरह थे वो ड्राई क्लीन को चले गए हैं, और जो कॉटन की चीज़ें वो निकल रही हैं। कर्टेंस मैं धीरे धीरे चेंज कर रही हूँ, जहाँ हैवी कर्टेंस थे वरना वो ही रहेंगे सारे, तो वो भी मैंने एक रूम के चेंज कर दी हैं। तो अब उसके लिए मैं कौन सा सामान निकाला है, नया है पुराना है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। स्पेशली सबसे पहले नया सामान शेयर करूंगी कि जो मैंने लिया है, और वो मैंने ना कुछ तो ऑनलाइन लिया है अमेजोन से, और कुछ मैंने लोकल शॉप से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। और जो मेरी अलमीरा बनी थी ना, वो उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि उसमें ना जो है एक, मतलब जितनी भी वो बड़ी अलमीरा थी उसके बीच के सेक्शन में मैंने केन लगवाई थी। एक्चुअली केन मैंने जो लगवानी थी वो एक दूसरे स्टाइल की लगवानी थी, नॉर्मल जो केन आती है ये नहीं थी। आजकल ना बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं इसमें, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, जो पूरी एक शीट आ रही थी 8x4 की, वो काफ़ी कॉस्टली आ रही थी और उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने वो ऑप्शन हटाया और फिर जो नॉर्मल केन अवेलेबल थी मार्केट में वो मैंने लगवा दी है। और जो उसके साइड्स के डोर थे, ये तो बीच के डोर्स में केन लगी है, और जो साइड्स के डोर थे उसमें मुझे वॉलपेपर लगवाना था। थोड़ा सा इसमें ना कुछ चीजें गड़बड़ हुई, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी बाद में कभी किसी वीडियो में। तो उसमें जो वॉलपेपर मैंने लिया था वो ऑनलाइन परचेस किया था, वो अब मतलब उसे लगवाना था, तो वो लग गया है, और वो जो पूरा लुक आया है अलमीरा का वो बहुत सुंदर आया है। लेकिन हाँ, केन का जो डोर बना था उसके डोर में एक पैच आ गया है, क्योंकि कारपेंटर ने ना क्या किया था, उस केन को पेस्ट करने की कोशिश करी थी, तो जो ग्लू थी वो कोई ऐसी ग्लू, हार्ड ग्लू यूज करी थी जिसका पैच उस पे आ गया है। अब उतना बड़ा जो केन का पोर्शन है वो मुझे अलग से लेके आना है और उसमें लगवाना है, जो कि अभी मैं आगे बाद में फेस्टिवल के बाद में ही देखूंगी, अभी तो मैं नहीं कर रही क्योंकि अभी तो इसी की तैयारी कर रही हूं। तो मेरा एक वो काम जो है अलमीरा का वो पूरा हो गया है और वो रियली बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन हाँ, जो उसके अंदर का सामान है अभी मैंने उसको सही से ऑर्गेनाइज नहीं किया है, बस मैंने ऐसे ही रख दिया है, जब पूरा कर लूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। इस रूम से अटैच अंदर एक मेरा ड्रेसिंग, मतलब एक एरिया है जहां पे पहले मेरी पुरानी वाली अलमीरा बनी हुई थी जिसमें दीमक लगी थी, और अब वो मैंने एक ड्रेसिंग एरिया की तरीके से बना लिया है। और वहां पे ना मुझे लाइट है, अच्छी लाइट है, लेकिन थोड़ी और बढ़ानी थी लाइट, और एक ऐसी लाइट चाहिए थी जो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बड़ी, मतलब बड़ी अच्छी सी शांत सी जिससे फील आए। तो उसके लिए मैंने अमेजोन से ये एक लाइट ऑर्डर करी है, ये 12 वॉट की लाइट है, और इसे मैंने आज ही शाम को मुझे लगवाना है इसको। लग के कैसी लगेगी वो मैं आपको मतलब जब लग जाएगी तो जला के बताऊंगी। तो ये था एक आइटम जो कि मैंने लिया था, बड़ी आसानी से लग जाएगी ये। और एक ना मैंने शावर मैट लिया है इस तरह का, आजकल बहुत वेरिएशन आते हैं इनमें, बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, और जैसे इसमें बहुत अच्छे अच्छे मैट हैं, जैसे जो बाथरूम में हम लगा सकते हैं ताकि फिसले नहीं, क्योंकि वो बहुत दिक्कत वाली चीज होती है। तो मैं अपने पापा के लिए भी देख रही थी, डैडी के लिए, कि उनके बाथरूम में मैं लगवा दूंगी। तो एक तो आते हैं वो जो फिक्स्ड आते हैं जिनके साइजेस, और एक होते हैं जिन्हें आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग, जिसकी डायमेंशन जितनी आपकी एरिया की हो आप चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे बाथरूम के एक एरिया में काफी फिसलन हो गई है, तो उसके लिए मैं ये लेकर आई हूँ। और ये ना फुट मैट्स हैं, देखो बिल्कुल जो कॉटन के आते हैं पतले, ये मैं लेकर आई हूँ, बड़े अच्छे हैं। और ज्यादातर जो मैं प्रिफर करती हूँ मेरे घर में, ज्यादातर जो डोर मैट्स हैं वो घर के अंदर बिल्कुल ये जो कॉटन के होते हैं ना, ये हैं। इसका एक रीजन तो ये है, जल्दी सूख जाते हैं, और इन्हें ना आप मशीन में डाल के बहुत जल्दी जल्दी वॉश भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इन्हें हाथ से ही वॉश करना है। और ये मैं अलमीरा के लिए लेकर आई हूँ, ये मैंने लोकल शॉप से लिए हैं, और ये है वुडन जो है हैंगर्स, जो मेटल वाले हैंगर्स होते हैं ना उनपे कपड़े बहुत ज्यादा सरकते हैं, तो एक अलग से क्लिप वगैरह उसमें लगानी पड़ती है, स्पेशली साड़ियों में। तो ये मैं लेकर आई हूँ 4 सेट,
तो उसके बाद और जरूरत पड़ेगी तो लेकर आ जाऊंगी। तो ये ना वुडन हैंगर है इस तरह के। अब समर्स आएंगे ना, तो समर्स के अकॉर्डिंग जो है ना कुछ कॉटन की बेडशीट हमें चाहिए, तो ये मैं बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कॉटन के बेड कवर्स लेके आई हूँ। और ये मैंने लिया है लोकल शॉप से, और देखो कितना बढ़िया है ना इसका प्रिंट, बहुत अच्छा है, बिल्कुल समर्स के अकॉर्डिंग है ना, कितना सुंदर लग रहा है ये। और इसी के साथ मैंने जो है ना बिल्कुल कॉटन के इसके पिलो कवर है, क्योंकि मैं पिलो नहीं यूज करती हूँ, कुशंस रखे रहते हैं, तो मैं क्या करूंगी इनका कुछ इसी रूम के लिए जहां पे भी मैं इसको बिछाऊंगी ना कुछ और चीज बना लूंगी। ज्यादातर मेरे पास पिलो कवर्स नहीं रहते हैं, और ये वाली जो होती है ना जो बेडशीट्स होती हैं, इन्हें बेड कवर बोलिए, ये डबल साइडेड होती हैं, देखिए दूसरे साइड से इस तरीके की, ये बिल्कुल समर का सा पैटर्न है, इस पे छोटी छोटी डॉट्स हैं। और अब जैसे ही समर्स आएंगी ना तो जो फ्लोर पे दरियां बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ा कूल सा दिखता है, तो मैं क्या करती हूँ रूम्स में इस तरीके की दरियां बिछाना शुरू कर देती हूँ। तो ये देखो ये एक दरी मैं लेकर आई हूँ, और ये ना मैं इसको जो बिछाऊंगी, इसको मैं बिछाऊंगी लिविंग एरिया में। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कर्टेंस, ये मैंने कर्टेंस नए लिए हैं अपने इसी रूम के लिए जिसमें अलमीरा बनी है, और ये पेयर में है, यानी ये दो आते हैं एक सेट में, और इसके साथ आती है इस तरीके की एक बीड्स की डोरी, जिससे कि आप जो है इसे एडजस्ट कर सकते हैं खींच के, तो हाथ से इसको इधर उधर नहीं करना है, इससे आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, बड़ी अच्छी चीज है, बहुत ही प्रीमियम कर्टेंस है। और मैंने इनको क्यों चूज किया बताती हूँ, आज से करीब मैं आपको बताऊं 15 साल पहले मैं जब अपने पुराने घर में रहती थी तो वहां के लिविंग एरिया के लिए मैंने नए कर्टेंस लिए थे। तो होता क्या था, जाके मैं देख कर आती थी वापिस आ जाती थी, लेकिन मुझे लगता था लिविंग एरिया दिखता है तो यहां मैं कुछ अच्छे कर्टेंस लगाऊं। तो मैं एक ब्रांड था उस टाइम, आइडा करके ब्रांड था, हो सकता है मैं उसका नाम गलत ले रही हूं, उनके सेमी सिल्क टाइप के कुछ कर्टेन आते थे, वो प्योर सिल्क भी नहीं थी लेकिन वो मतलब बड़े अच्छे लगते थे, हालांकि जैसे समर्स के हिसाब से आप कहोगे कि वो अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन वो कुछ रॉ सिल्क टाइप की थी। अभी भी मेरे पास वो कर्टेंस हैं, वो हमेशा वैसे ही रहे, ना तो उनके कलर खराब हुए, ना उनकी जो जैसे कहते हैं ना उनकी जो आब होती है, जो उनकी चमक होती है वो खराब हुई, वो हमेशा नए लगते थे। तो मुझे ना उस टाइप का मटेरियल बहुत पसंद आता था, तो काफी दिनों से जब मैंने ये कर्टेंस चेंज किए थे तभी से मैं अपने बेडरूम के लिए कुछ नए कर्टेंस लेना चाह रही थी, तो मुझे वही ब्रांड के टाइप के कुछ कर्टेंस ना अमेजोन पे दिखाई दिए, तो मैंने ना इनको कार्ट में डाल लिया, और ये मेरी कार्ट में पता नहीं कब से पड़े हुए थे, और क्योंकि मेरे अंदर जो लेंथ है वो 9 फिट की है, तो ये 9 फिट के कर्टेन हैं, काफी लंबे, और मैंने ग्रे और इस तरीके का बेज टाइप कलर में ये लिए, बहुत ही बढ़िया बड़ी प्रीमियम कर्टेंस हैं, कुछ रॉ सिल्क टाइप का इनका फैब्रिक है। और इसके अलावा अब बारी आती है कुशन कवर्स की। इस बार ना मैंने अमेजोन से कुशन कवर मंगवाए, तो कई बार क्या होता है फैब्रिक लाके, कई बार क्या ज्यादातर मैं खुद ही स्टिच कर लेती हूँ अलग अलग तरीकों के, बहुत अच्छे बना लेती हूँ, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि कुछ ऐसे मतलब प्रिंट के बनाए कि हर एक प्रिंट टाइप के हों, सेट टाइप बना मतलब दिखे कर्टेन, तो उसका मैं कपड़ा लेके आती सिलती, तो मैंने कहा उसे तो अच्छा मैं ले लूं, और वो इतने सस्ते हैं कि उतने में तो मैं कपड़ा लेके आऊंगी बनाऊंगी, उसकी कॉस्ट से भी सस्ते हैं, तो चलो वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये सारे इतने सारे मैंने कुशन कवर्स मंगवाए हैं, देखो ये ढेर सारे। अब आप कहोगे इतने ढेर सारे क्यों, उससे पहले मैंने दिवाली पे चेंज किए थे, उसको ही मैं वॉश करके लगा रही थी। घर में ना काफी जगह मतलब बेडरूम्स हैं, दो दो लिविंग एरिया हो जाते हैं, काफी जगह पे कुशन ही रखे हुए हैं, तो वो ज्यादा चाहिए होते हैं। तो चलो दिखाती हूँ आपको, और शुरू करती हूँ मैं इससे। समर्स में व्हाइट कलर की बेडशीट के साथ जो मतलब हर कलर चला जाता है, मन था कि बेज कलर के इस बार कुशन कवर्स लगाऊंगी, तो देखो कितने बढ़िया पैटर्न में, इतने अच्छे फैब्रिक में ये मुझे मिला, 5 का सेट। इनके जो भी प्राइस होंगे वो स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। हर वाला जो पैटर्न है ना, सारे पैटर्न एक से एक है, देखो सारे है ना, देख रहे हैं आप कितने सुंदर हैं, देखो इस ये वाले जो कुशन कवर्स है ना गर्मियों के लिए परफेक्ट है। अगर आप अपने घर में समर्स के लिए कुछ चेंज कर रहे हो तो इनको जरूर लेना, और इतने बढ़िया हैं, ये जूट फैब्रिक के हैं। ऐसे मेरे पास कर्टेंस हैं, लोकल मार्केट में मुझे ये नहीं दिखे क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ वैरायटी नहीं मुझे मिल पाती है, लेकिन कितने सुंदर हैं, आपको मैं पास से दिखाती हूँ। देखो इनका जो टेक्सचर है कपड़े का वो कितना अच्छा है, देखो
देखो, और साइड में इस तरीके से कुछ टैसल्स हैं, बहुत सुंदर मुझे ये लगे। और मैं तो इनका बड़ा साइज भी ढूंढ रही हूँ, 24x24 का, अगर वो मिल जाता है तो मजा आ जाएगा। अब कुशन कवर की अनबॉक्सिंग के टाइम ही आप ही के सामने कर रही हूँ, तो मुझे भी अभी देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मुझे ना एक सेट चाहिए था आपकी बात, मतलब वो अभी तक तो मैं अलग अलग पैटर्न के लगाती थी, लेकिन अब मैं ये चाह रही थी कि मैं एक सेट में लगाऊं, इसलिए मैंने ये मंगाया। और कलर भी ऐसे मंगाए जो समर्स के अकॉर्डिंग हो। फैब्रिक है थोड़ा सा जो सैटन फैब्रिक होता है ये वो है, और ये मुझे ना वैसे भी इमेज में ही पसंद आ गए थे। और सही बताऊं कलर इनका वही है जो बिल्कुल मैंने सोचा था, बिल्कुल वही कलर है। देखो कितना बढ़िया कलर, कितना बढ़िया इसका प्रिंट है। ऐसे मतलब बनाने के लिए ना ऐसा फैब्रिक ढूंढना, उसे लेके आना पॉसिबल नहीं था। ये देखो कितने अच्छे हैं सारे ही, देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। जहां पे भी लगेंगे, जिस बेडशीट के संग लगेंगे ना, मजा आ जाएगा। देखो एक चीज दिखाती हूँ अभी आपको, ये हाइलाइटर कुशन है, ये लगा हुआ है, ये आपने देखा होगा, दिवाली पे मैं लेके आई थी। प्राइस मुझे नहीं याद, लेकिन हाँ डेफिनेटली शायद ये 1000-1500 से ऊपर का ही होगा, सिंगल पीस है ना। अब है क्या, इसको देख देख के बोर हो जाते हैं, फिर किसी दिन मन करता है वॉश करते हैं। अब ये महंगा है तो ऐसा लगता है इसी को दोबारा लगा दें, शायद अच्छा लग रहा है, और अच्छा है क्या, इसी को लगा देती हूँ, लेकिन देख के ना बोर हो जाते हैं। तो अब गर्मियों के लिए मुझे कुछ ऐसे हाइलाइटर कुशन चाहिए था जो देखने में भी अच्छा लगे और गर्मी के अकॉर्डिंग हो, तो मैंने एक मंगाया। मैंने कहा अगर ये अच्छा लगेगा ना तो फिर मैं इसी टाइप के और मंगाऊंगी। और अभी देख रही हूँ इसे तो मैं खोल के, वाह बहुत बढ़िया, बिल्कुल गर्मियों के अकॉर्डिंग है ना। देखो कितना सुंदर है ना, और इससे कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है इस वाले पीस से, बहुत बढ़िया लगा मुझे ये। कलर वलर सब बहुत अच्छे लगे। अब गर्मियों में ना इस तरीके की चीजें जो व्हाइट पे काम होता है ना, फ्लोरल, जो प्लेन व्हाइट पे फ्लोरल डार्क काम होता है, वो इतना बढ़िया लगता है ना, मजा आ जाता है, कभी बोर नहीं होते। जैसे मैंने कहा डार्क शेड लगाओ, इनसे भी एक दिन बोर हो जाओगे, लेकिन जो ये पैटर्न है ना व्हाइट पे ब्राइट कलर्स, ये कभी भी आउटडेटेड नहीं होते और हमेशा आपको ना एक बिल्कुल ताजगी का सा एहसास कराते हैं। तो ये है, एक पीस लिया है, इसको और मंगाऊंगी मैं। ये भी बहुत बढ़िया है, ये देखो, ये मैंने लिया है 24x24 के साइज का प्लेन पीस है ना। देखो ये सेट है, दो हैं इसमें, देखो इस तरीके के बड़े कुशन के लिए ये कुशन कवर्स हैं, प्लेन, कुछ सैटिन, कुछ वेलवेट, मजेदार फैब्रिक है। और ये गर्मियों में बहुत ठंडा लगेगा, इस तरीके का है, गर्मियों के अकॉर्डिंग है, बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है। और इनको मुझे जो मैंने सोचा था ना, कुछ इस तरीके की मैचिंग के साथ सोचा था, थोड़ा सा देखूंगी, सेम नहीं मैं मैच करती हूँ, उसके संग कुछ और मैच करूंगी, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। इसका मैं एक कलर और मंगाऊंगी, और जिस हिसाब से मैंने कलर चूज किया था और जैसा ये निकला, उस हिसाब से मैं देखूंगी कि इसमें क्या कलर मंगाऊं, तो दूसरा कलर इसके साथ मंगाऊंगी। तो ये जितने भी कुशन कवर्स हैं ना, सब बहुत रीजनेबल, बहुत अच्छे, गर्मियों के अकॉर्डिंग बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि घर घर में घुसो तो लगेगा अरे वाह कितनी ठंडी सी जगह पे आ गए। और देखो एक कुशन कवर ये हैं, बहुत सुंदर हैं ये भी। अब देखो मैं आपको बताऊं, जो इसका मैं ये वाला फैब्रिक था ना बड़े वाले कुशन का, कुछ वैसा ही फैब्रिक इनका है। मतलब इन पे जब हाथ लगा रहे हैं ना तो अभी ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा सोबर सा डिसेंट सा पैटर्न है, फैब्रिक बड़ा अच्छा है, चिकना सा, कुछ इसे वेलवेट ही बोलेंगे, लेकिन वेलवेट की कोई और क्वालिटी है, बिल्कुल प्लेन है। लेकिन इनके साइड में ना देखो ऐसे छोटे छोटे ये इस तरीके से लगे हुए हैं, पॉम पॉम छोटे छोटे से, देखो इस तरीके का फैब्रिक है इनका, बिल्कुल मुलायम सा। और वैसे मैंने आज से जो है ना सारे चेंज करने स्टार्ट कर दिए हैं, सारे वॉश करने स्टार्ट कर दिए हैं, और क्योंकि काफ़ी दिनों से जो मेरा एरिया था, यूटिलिटी एरिया, वो बिजी था, तो वॉशिंग मशीन नहीं मेरी वर्क कर रही थी, मतलब उसको पूरी सेटिंग हटा रखी थी। तो अब मैंने चेंज करने स्टार्ट कर दिए हैं और मेरी मशीन लगातार चल रही है, सारी चीज़ें चेंज कर रही हूँ। त्यौहार के हिसाब से चेंज होती हैं, लेकिन एक्चुअली वो चेंज होती हैं पूरी गर्मियों के लिए, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि इतनी सारी चीज़ों को केवल मैं होली के लिए बदलूँ और फिर सारी चीज़ों को मैं गर्मियों के लिए बदलूँ समर्स के लिए, ऐसा नहीं होता। आज सब चेंज करूंगी, वही मतलब समर्स में यही सब चेंज होते रहेंगे, और मतलब वो होली के संग संग आप समझ लो समर्स की तैयारी है। दिखा देती हूँ मैं आपको क्या है, मेरी वही वाली झाड़ू जो मैं यूज करती हूँ ना,
जो आप लोगों को कई बार मैंने वीडियो में दिखाई है, स्कॉच ब्राइट की वही वाली है, ये आ गई है मेरे ऊपर वाले सेक्शन के लिए और ये महीनों चलती है, ये मुझे बहुत पसंद आती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताना और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे होली के कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। हो गया ऊपर का सामान।